वट दिसमोच ऑफ एच आर एम इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट वस्टम होता क्या है तो एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट विद फंशन टूगेदर इज कॉल्ड एजमने बहुत तरह के सिस्टम देखे हुए हैं हमने बहुत तरह की मशीन देखी हुई है जिसमें की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्पोनेट्स लगे हुए होते हैं फॉर एग्जाम्पल वी कैन लुक एट टर जब वो एक साथ काम करते हैं अगर एक भी कम्पोनेट इधर उधर हो जाएगा तो वट विल है सिस्टम विल नॉट वर्क सिरली इट इज वेरी सिमिलर टू लाइक एन ऑर्केस्ट्रा आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं अगर एक भी पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को सही नहीं बजाएगा तो यू विल नॉट गेट अ गुड साउंड इन योर इयर इन योर इयर सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिस्टम शुड वर्क लाइक एन ऑर्केस्ट्रा इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि एच आर एम जो है वो उसका सब सिस्टम बन जाएगा क्योंकि वहां पर और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल देर इज अ मार्केटिंग दर इज फाइनेंस दर इज प्रोडक्शन देर इज अ लॉजिस्टिक्स and there are a lot of other other components which are involved into an organization to so, jab aap ek organization ke perspective se dekh rahe hain to wahan hrm kya hai human resource management kya hai it is like a sub system wo sub system hai on the other side agar aap hrm ko hi ek system ki tarah dekh rahe hain like hrm is a bigger system तो क्या होगा इसके जो components हैं different different components हैं जो माने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो अब different डिफरेंट लेक्चर्स अब different डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ क्या हो जाएगा दोस्त कंपोनेंट्स विल एक्ट एज तो यहां पर अगर एक कंपोनेंट है लेटर सपोज सिलेक्शन एक कंपोनेंट है ट्रेनिंग एक कंपोनेंट है परफॉर्मेंस तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ होकर परफॉर्म करते हैं एंड देन इट बिकम्स लाइक एन सिस्टम तो कई बार हम एग्जाम्स में या पेपर में या किसी भी तरह का काल एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम एच को एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं कैन एच आर एम बी ट्रीटेड एज एम तो आंसर इज यस एच आर एम सिस्टम इज अस्टम विच ट्रांसफॉर्म्स इम्प्लॉय इन टू अ प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स तो यहां पर क्या मतलब है अब सिस्टम है तो ऑब्वियसली कुछ आउटपुट भी होगा अगर सिस्टम है तो डेफिनेटली अगर एक सिस्टम एक प्रोसेस को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली एक आउटपुट भी होगा तो आउटपुट क्या होगा कि वो एम्प्लॉज को लेता है एम्प्लॉइज को ट्रांसफॉर्म करता है अ प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स उससे प्रोडक्टिविटी निकालता है इट इज तो लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सिस्टम सिस्टम का सिंपल प्रोसेस क्या होता है यू हैव एन इनपुट यू हैव एन प्रोसेस यू हैव एन आउटपुट

यहां पर एम्प्लॉय ही मतलब लोग मतलब पीपल पीपल इज योर इनपुट बिकॉज वी हायर इम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो एक वेल सुटेड इम्प्लॉय और एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को लाने की कोशिश करती है और इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है वाई इट इज अम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज एवरी अदर रिसोर्स लाइक आप टेक्नोलॉजी की बात करें प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात करें मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज की बात करें एवरीथिंग एल्स कैन बी कॉपीड

्यूमन रिसोर्स वाई बिकॉज इट इज नॉट कॉपिड वो कॉपी नहीं हो सकता इट इज नॉट इमिटेबल आप उसको उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अगर आप एक अच्छा एंप्लॉई छोड़ देते हैं या एक अच्छा इंप्लॉई आपको छोड़कर चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट ला बहुत मुश्किल हो जाता है ऑन द अदर साइड अगर वो टेक्नोलॉजी खराब हो जाएगी तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है दैट कैन बी पॉसिबल अनदर थिंग इज इट गिवस यूर ग्रेट कॉम्पिटेटिव इट गिवस यूर ग्रेट कॉम्पिटेटिव एज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्टिव एज देता है, आपको. का क्या मतलब है? कि आप अपने कॉम्पिटिटर जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है सभी कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करती है लेकिन अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी से एक अच्छा एज मिलता है इट इज बेस्ड ऑन देयर कॉम देयर ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज आपके नए आइडियाज आपके नए प्रोडक्ट वो सब ह्यूमन कैपिटल बनाती है जो दो मेजर रीजन है वाई ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इज इट्स और ये कुछ हद तक ड्यूरेबल भी होता है ड्यूरेबल का मतलब यहाँ पर क्या है ड्यूरेबल का मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश है एंड इफ इज डूंग ग्रेट टू वर्क एंड इज गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज तो ही मे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कई लोग बीस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल काम करते हैं किसी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट में, में, तो में राइट इनपुट तो uh, right को एंटर करें मतलब जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं हम सिलेक्शन करते हैं चाहे हम किसी भी प्रोसेस से कर रहे हो चाहे हम कैंपस रिक्रूटमेंट से कर रहे हो चाहे हम किसी इम्प्लॉयमेंट uh, एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो बट हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर्टिकुलर राइट कैंडिडेट को चूज करके लाए शुड नॉट मेक एर अगर आपने गलती कर दी तो आपने इनपुट ही गलत डाला है अगर आपने इनपुट ही गलत डाला है, विल विल हैपन? आउटपुट आउटपुट नेवर बी गुड। कभी भी अच्छा नहीं होगा। अब प्रोसेस में क्या होगा तो प्रोसेस में वी हायर

तो आपके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डेवलपमेंट कराना है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड प्रोसेस इज मोटिवेशन मोटिवेशन मीन्स सिंस इंप्लॉय एक ह्यूमन बींग नॉट बी मोटिवेटेड एवरी डे वो हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करता तो होगा क्या उसकी परफॉर्मेंस किसी दिन अप हो सकती है किसी दिन डाउन हो सकती है ही कैन गो थ्रू मिक्स फीलिंग्स ही कैन नॉट मेंटेन हिज वर्क लाइफ बैलेंस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हो सकता है कई बार मिक्सअप कर देता है इस तरह के कई एरर्स हो जाते हैं तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का या एचआर डिपार्टमेंट का मेन रोल आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आप की को करें इसलिए नहीं क्योंकि आपको उसको सजा देना है या उसको पनिश करना है उस चीज के लिए बल्कि आपको उसको गाइड करना है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हम कॉलेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं व्हाई डू वी कंडक्ट एग्जाम्स एग्जाम का पर्पस ये नहीं होता कि स्टूडेंट के मार्क्स कट करने और उसको डिमोटिवेट करना है एग्जाम का पर्पस ये होता है सो दैट स्टूडेंट कैन रियलाइज

डायरेक्टली uh, रिलेटेड नहीं है मोटिवेशन से बट फिर भी इट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन पर एक compensation को properly design करना compensation का मतलब है monetary उसको क्या बेनिफिट्स आप दे रहे हैं साथ साथ नॉन मॉनिटरी वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो वी मस्ट देंगे और नॉन मॉनिटरी नहीं देंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फॉर यू आर पेइंग दम वेल बट यू आर नॉट आट गिंग प्रमोटेड इज ऑल्स प्रॉब्लम बट इफ यू आर आमोटिंग दम एंड इफ यू आर नॉट गिविंग दम मनी दे विल से यार पैसे का तो मेरे को प्रमोट करके फायदा क्या हुआ मेरे को पैसे ही नहीं मिल रहा सो इन दैट दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी टेकन केयर ऑफ बाय बाय द प्रोसेस पार्ट तो प्रोसेस में हमें हमेंट और मोटिवेशन तीनों चीजों का ध्यान रखें देन इन द आउटपुट पार्ट हमें आउटपुट पार्ट में क्या करने की जरूरत है फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी आप कैसे मेजर करोगे सो इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हाउ मच एंड हाउ विमाउंट ऑफ वर्क नीड टू बी प्रोड्यूस्ड सबसे पहली चीज होती है कि इंप्लॉय का आप कितना इनपुट ले रहे हैं इनपुट इन टर्म्स ऑफ उसके वर्किंग आवर्स क्या है वो कितने टाइम काम कर रहा है कितने डेज काम कर रहा है दैट्स इज इनपुट पार्ट एंड देन आउटपुट आउटपुट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पंचुअलिटी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है हर पर्सन की अपनी कुछ क्वालिटीज होती है तो सिमिलरली आपको आउटपुट का सिर्फ एक पारामीटर नहीं रखना है ऐसा ना हो कि एक पर्सन है जो बहुत सारा प्रोडक्शन कर देता है बहुत सारी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देता है और आप उसको समझ लेते हैं कि ही इज वेरी एफिशिएंट ऐसा जरूरी नहीं हो सकता बहुत सारी गलतियां कर रहा हो ऑन द अदर साइड क्वालिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट तो आपको वो बैलेंस चाहिए तो प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में आपको मेजर करना पड़ेगा कि आउटपुट आप कैसे देख रहे हैं सेकेंड थिंग इज प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनोवेशन लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ न्यू एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी आप प्रोडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मनी को अगर आप मनी इन्फ्यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी यू कैन ओपन अप अ न्यू प्लांट यू कैन ओपन अप अ न्यू प्रोडक्ट कुछ भी किया जा सकता है इनोवेशन आपको करते रहना है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बिजनेस बहुत डायनेमिक्स है बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं आज लोकेट आई टी इंडस्ट्री एट डाटा एनालिटिक्स लुक एट एनी ऑफ़ दिस फील्ड लुक एट प्रोडक्शन सिस्टम्स ओनली कितना ज़्यादा चेंज आ गया है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी सारा जगह ऑटोमेशन आ रहा है एंड देन यू नीड टू थिंक ऑफ मोटिवेशन न्यू टेक्नोलॉजी आपको न्यू टेक्नोलॉजी पर भी एक रेगुलर रेगुलराइज रखना पड़ेगा क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी पूरी पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देती है लुक एट द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन मोबाइल फोन के आते ही पेजर की पूरी पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई थी लुक एट द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर उनके आते ही टाइपराइटर की इंडस्ट्री सारी बंद हो गई ठीक है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ न्यू टेक्नोलॉजी इज और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ देयर देयर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यू टेक्नोलॉजी Next is readiness to change. अगला आउटपुट आपको क्या देखना है आपको देखना है कि employee का readiness to change कैसा है? एबिलिटी टू एडजस्ट एनवायरनमेंट जैसा मैंने आपको भी बताया कि बहुत बहुत ही competitive है, बहुत ही है, है. आप आराम से बैठ नहीं सकते अदरवाइज वो रैबिट और रोटाइज वाली स्टोरी सच हो जाएगी सो यू कैन नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स अदरवाइज लाइक अवे इनटू द मार्केट बुरी तरह से एक जिसके पास का market share था

अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दैट रिपोर्ट से जो अभी 65 बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो अभी स्कूल शुरू कर रहे हैं जो अभी प्री नर्सरी में जा रहे हैं ये जब तक वो एक जॉब तक पहुंचेंगे सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होगी मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ आउटडेटेड हो चुका होगा दैट मीन्स कि हमें क्या पढ़ाना है हमें यही नहीं पता सो दैट्स द रीजन वाई प्रो एक्टिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करना आप करेंगे तो रिएक्टिव अप्रोच है किसी ने पहले इंट्रोड्यूस किया और आपने उसको अडेप्ट किया वो एक रिएक्टिव अप्रोच है आपको पहले से प्रोएक्टिव होकर उसको करना पड़ेगा दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इम्प्लॉय सेटिसफैक्शन प्रोडक्टिविटी का जो थर्ड पैरामीटर है या जो आउटपुट का आपका थर्ड पैरामीटर है वो एम्प्लॉई का सटिस्फैक्शन कैसा है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब कैसा है अल्टीमेटली उसका ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट कैसा है बिकॉज कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोग हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए आते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू सर्वाइव वो काम नहीं करना चाहते वो सर्वाइव करना चाहते हैं दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑर्गेनाइजेशन आइडल वो किसी के लिए भी काम नहीं आ रहे सिर्फ मैंडेटरी वर्कस करते हैं ऑन द अदर साइड देर आर जो रिस्क लेते हैं जो नई नई चीजों को लाने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी रेगुलरली टैप करते रहते हैं एज दे आर कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन so that's very important ki we must be competitive we must be very very adaptive we must be very productive and we must be very satisfied because these are the three things which are the output of the system of hrm so this was all about system approach to hrm thanks for watching probably we we'll meet in the next session Agar ye lecture, so do subscribe my channel and hit the bell icon so we'll be meeting in the next session very soon